हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन में वी आर बी आस्क्ड दैट मोइट विच इज़ अ प्रोग्राम फॉर हर्ड इम्प्रूवमेंट। तो वी नीड टू राइट अबाउट द स्टेप्स इन करेक्ट सीक्वेंस विच आर कैरीड आउट इन दिस प्रोग्राम। सो अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की की कॉन्सेप्ट की, देन दैट विल बी एम ओ ई टी मोइट। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं मोइट की फुल फॉर्म की, देन मोइट stands for multiple ovulation embryo transfer technology। सो मोइट एक तरह का टेक्नोलॉजी हम लोग बोल सकते हैं विच इज़ यूज फॉर हर्ड इम्प्रूवमेंट, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। नाउ बेसिकली ये जो मोइट है वो किसके लिए यूज होता है, देन वी कैन से कि ये सबसे पहले इस अगर इसकी स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहला इसमें स्टेप होता है कि अ काउ इज एडमिनिस्टर्ड विथ सम हॉर्मोन्स। एंड कौन से हॉर्मोन्स रहते हैं, दे आर FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन्स। एंड ये क्या करता है, जैसे कि हमने जानते हैं नाम सजेस्ट कर रहा है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग, मतलब वे फॉलिकल्स को स्टिम्युलेट करता है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं दे इंड्यूस फॉलिकुलर डेवलपमेंट और वी कैन से मैच्योरेशन एंड सुपर ओव्यूलेशन, क्योंकि FSH उनमें डाला जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि फॉलिकल्स जो है वो जल्दी मैच्योर होते हैं एंड सुपर ओव्यूलेशन होता है, बहुत से ओव्यूलेशंस हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ वन एग। क्योंकि नॉर्मली पल्स साइकिल में क्या होता है कि एक ही एक मैच्योर होता है, बट अगर हम लोग FSH उस पर इंड्यूस करें, FSH और हम लोग उस पर डालते हैं उस काउ पे, तो क्या होता है कि दे प्रोड्यूस 6 to 8 eggs। सो इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, द वन देन वी कैन से दैट दे आर मेटेड विथ एन इलाइट बुल। इनको इलाइट बुल के साथ मेट किया जाता है या फिर आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर मेटिंग विद एन इलाइट बुल। सो इससे क्या होता है कि फर्टिलाइज एग्स मिलते हैं आफ्टर सम टाइम, सो वी कैन राइट दे गेट फर्टिलाइज एग्स। एंड ये फर्टिलाइज एग्स जब 8 to 32 सेल स्टेजेस में पहुँच जाते हैं, एट दैट पीरियड ऑफ टाइम उनको रिकवर कर लिया जाता है, मतलब निकाल लिया जाता है, नॉट सर्जिकली दे आर रिकवर्ड। एंड देन वी कैन से उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है टू सैरोगेट मदर्स। सैरोगेट मदर्स वो हो जाती हैं हु विल बी प्रोवाइडिंग अ बेटर इन्वायरमेंट टू दोज फर्टिलाइज्ड एग्स। नाउ हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह से एक नया हर्ड इम्प्रूवमेंट होता है, दैट मीन्स जो वहाँ से इम्ब्रियो बनते हैं दे हैव द क्वालिटी ऑफ इलाइट बुल, जिस किसी का भी सीमेन लिया गया था, एंड दैट ऑफ द काउ जिसको चूज किया गया था। सो इससे क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम इज यूज फॉर कैटल शेप रैबिट्स बफेलोज से, जिसे दे विल हैव हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड of females and high quality of meat yielding bulls, because दोनों ही जो हम लोग quality select किए थे they were of the supreme high quality, इस वजह से जो उसके embryo बनेंगे बाद में जो child वहाँ से produce होते हैं, either they are females या फिर मेल्स दैट इज बुल्स, तो उनमें हाई मिल्क यील्डिंग क्वालिटी एंड गुड क्वालिटी ऑफ मीट्स रहते हैं। सो दिस इज हाउ द होल स्टेप इज देयर फॉर मोइट प्रोग्राम्स। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।